ये मामला बीजापुर मुर्तजा शाह कादरी दरगाह कब्रस्तान का मामला है। तो मुर्तजा कादरी शाह दरगाह कब्रस्तान जो है ना कुल 16 एकड़ 23 घंटे था। तो तकरीबन 1980 या 85 में बीड़े वाले उसको 8 एकड़ जो है ना एक्वायर किया गया, बचा 8 एकड़। तो वो जो है ना ये हमारे चंद मुस्लिम भाइयों ने हाई कोर्ट को गए थे, तो वो हाई कोर्ट में मामला जो है ना कब्रस्तान कर बोल के डिसाइड हो गया। फिर बाद में वो मामला ट्रिब्यूनल चला गया, ट्रिब्यूनल में तकरीबन 17 साल मामला चला। उसके बाद जो है ना दरगाह कब्रस्तान बौड़ी वगैरह मिलके 4 एकड़ कुल जगह जो है ना कब्रस्तान कर बोल के ट्रिब्यूनल में डिसाइड हो गया। अब उसके बाजू में एक जगह है, वो सर्वे नंबर 420/2, उसके अंदर बीडीए एक्वायर किया ज़मीन। तो वहाँ पे एक गुम्बज है, उसे बोलते हैं इकलास खास गुम्बज या फुटकी मस्जिद। तो उसके बाजू में खबरें वगैरह थे, उसके लिए बीड़े वाले ने वो तकरीबन 32 घंटे जगह जो है ना कब्रस्तान बोल के छोड़ दिए। तो मुजावरों ने जो है ना वो उसके मेरे ऊपर केस किया था, तो वो कोर्ट में केस चला और डिसमिस हो गया, यानी वो केस जो है हमारे फेवर में हो गया। तो वहाँ पे ब्यूरल ग्राउंड है, कब्रस्तान है, मुसलमानों की कब्रें हैं, तो उसके वास्ते जो है ना वो प्लाट डाल के सेल कर रहे थे मुजावरा। तो उसे कोर्ट ने जो है ना कब्रस्तान बोल के डिक्लेयर कर दिया। तो आप जो है फिलहाल फिर से जो है मुजावर जो लोग हैं वो वहाँ पे जो कंटिया वगैरह उठे हैं उसको क्लीन करके वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है ना हमारे बीजापुर के पूरे मोहल्ले के यानी तकरीबन 15-20-25 मोहल्ले के लोग जो है ना वहाँ पे दफन करते हैं अपने जनाजों को। तो वो पूरे लोग आके जो है ना उनसे बोले भाई तुम मत करो। तो वो मुजावर लोग जो है ना ये हमारे लोगों के ऊपर हमला करके, तुम सारे बीजापुर लोग आए तो भी हमारा कुछ कर नहीं सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है बोल के। हालांकि प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, वक्फ इट मीन्स द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली, इट कैन नॉट बी सोल्ड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर बोल के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। इसके बावजूद कुल 122 एकड़ ज़मीन जो है ना दरगाह के लिए थी, तो वो दरगाह के हकीकत में ये मुतवली नहीं है। तो मुजावर मोहम्मद साहब मुजावर बोल के इनके दादा तो मुतवली बोल के बने, उसके बाद में उनके दो बच्चे अब्दुल खादर मुजावर और सैयद मीरा मुजावर, वो दोनों मुतवली बोल के झगड़े, उनके दोनों झगड़े जो है ने वो गैजेट के अंदर एंट्री हैं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ने वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ में एंट्री है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है पूरी प्रॉपर्टी जो है इलीगल है ना अब तक सेल करते हैं, और ये भी प्रॉपर्टी जो है ना सेल कर रहे हैं, इनके पास जो है ना सेल करे सो करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो ये इस वजह से जो है नहीं ये कोई किसकी बात मानते नहीं, ये पूरा हमारी ज़मीन है, हमें इसे कब्जा करके रहेंगे, आप मुसलमान कौन भी यहाँ आ सकते नहीं, ये ज़मीन हमारी है बोल के वो बोल रहे हैं। इस वजह से आज जो है ना मैं बीजापुर जलनगर पुलिस स्टेशन में जो है ना इसे कंप्लेंट दिए हैं। तो हाँ पूरे जमात के लोग मिलके, तो हमें ये आपको समझाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से ये बीजापुर में कब्रस्तान के लिए जगह बहुत कम है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है, इसके लिए आप जो है ना ये मुसलमान का कब्रस्तान का जगह खुला करके हम मुसलमानों के जनाजों को दफन करने के लिए मुहैया कर दें, ये मेरी इल्तिजा है। माध्यम को भी इससे पहले भी बोला था, अभी मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है या मेरे हाथ में है, फाइल है, और वो 1956 में पूरा 16 एकड़ 23 घंटे बोल के कब्रस्तान बोल के डिक्लेयर हुआ हाईकोर्ट, ये कोर्ट ऑर्डर है। तो इसके बाद जो है ना हमारे लोग जो है ना राइट ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री नहीं किए, इसका गलत फ़ायदा उठा के वो मुजावर जो है ना वो एक एक्ट आया, कल्टीवेटर इज़ द ओनर ऑफ द लैंड बोल के, तो वो लोग क्या किए, ये एग्रीकल्चर लैंड है बोल के गवर्नमेंट को गलत माहिती दे के कब्रस्तान को एग्रीकल्चर लैंड बना के वो जो है ना इलीगल सेल किए, और ऐसा ही पूरी ज़मीन जो है ना सेल करते गए। वक्फ प्रॉपर्टी जो है दरगाह के हिफाजत के लिए और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होती है, हाल नहीं कि ये मुतवलियों को बिका के खा।
आज सुबह जो है हमारे सैयद शाह मुर्तजा कादरी दरगाह के जो है कब्रस्तान के चेयरमैन हमारे आई जे इनामदार साहब के नेतृत्व में आज सुबह जो है हम सब लोग जमा होने का कारण ये है कि दरगाह शरीफ के बाजू में जो ज़मीन है वो कब्रस्तान बोल के डिक्लेयर हो चुकी है और ये जो डिक्लेयर जो है बीडीए से हो चुकी है। तो वहाँ पर जो है सिर्फ कब्रस्तान मतलब सिर्फ जो है गड़ने की जगह है, नाक की ज़िंदगी करने की। तो पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर जो है कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चलने के बाद जो है हमारे चेयरमैन साहब और उनकी टीम वगैरह जाकर जो है बोलने के बाद आज सुबह जो है आप सब लोग मिलकर आइए इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे बोल के हम सब लोग गए थे। तो जाने के बाद मुजावर परिवार के लोग आकर जो है ये ज़मीन जो है हम आप लोगों को गड़ने के लिए दें और आप बीजापुर के सब लोग जो चाहे करना कर लो, हम किसी को डरते नहीं और बेमतलब की जो है ज़रूरत की जो है वर्ड्स इस्तेमाल करके जो है एक किस्म की जो है धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसीलिए जो है हम और हमारे चेयरमैन साहब सब मिलकर जो है ये वहाँ पर बैठकर जो है आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम जो है कंसल्ट जो है जल नगर पुलिस स्टेशन आता है जाकर वहाँ पर पी एस आई मैडम को फिर बाद में जो है सी पी आई को जो है जो कंसल्ट है उसको जो है इतला करके जो है जो प्रॉपर्टी जो ऑर्डर हो चुकी है उसके ऊपर जो है स्टेटस को जो है मेंटेन होना चाहिए। एक मरतबा जो है कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो उसके ऊपर जो है चाहिए कि दोनों पार्टियों को जो है स्टेटस को जो है मेंटेन करें, ना कि कब्रस्तान की जगह को जो है बेचकर खाने की कोशिश करें। इसीलिए हम लोग जो है जलनगर पुलिस स्टेशन में आकर जो है पी एस आई को जो है कंप्लेंट देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाल्लाह फिर बाद में जो इसके बाद जो है जो भी कुछ कोर्ट की जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर भी जो है हम काम करेंगे। इंशाल्लाह कोर्ट के जरिए जो है उनको नोटिस वगैरह देकर जो है हम आगे की जो है कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ये मुजावर परिवार के लोग हैं और फिर बाद में वकील साहब जो है एक मुजावर बोल के उन्हीं के आप जो चाहे कर लेना कर लो, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। बेमतलब की जो है ऐसे वैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो शब्द जो है मैं आपको जो है हमारे माध्यम के थ्रू से मैं बोल नहीं सकता आप सब लोगों के सामने। ऐसे वैसे गालियाँ देकर जो है हमको धमकाने की या भगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। उसके अंदर जो है वो सलीम मुजावर बोल के जो है एडवोकेट हैं, फिर बाद में जो है असलम मुजावर हैं, फिर ये सब जितने भी जो है मुजावर परिवार के लोग हैं ये सब लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास जो है देखो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हम कोई जो है जगह जो है कब्जा करने के लिए या फिर बाद में इलीगल काम करने के लिए नहीं जा रहे वहाँ पर। हम लोग जो है कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट का जो आदेश है उसके प्रकार जो है हम लोग जो है वो लोग जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। भाई आप मत करो, अच्छी बात नहीं है बोल के समझाने जाने के बाद जो है वो लोग जो है गुंडागर्दी या धमकाने का या फिर बाद में हमला करने की कोशिश झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमको ऑलरेडी न्याय मिल चुका है, ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर है। हम लोग किसी की जगह कब्जा करने के लिए नहीं गए या किसी की एक परिवार को तकलीफ पहुंचाना या किसी को फायदा करने के लिए नहीं गए थे। हम लोग ये जगह जो है कब्रस्तान की है, यानी हर मुसलमान की जगह है, हर मुसलमान की आखिरी जो है जब कोई भी जो है दुनिया से पर्दा फरमा के जाता है तो वहाँ पर दफन होता है, वो हमारी आखिरी जगह है। हम कोई जगह कब्जा करने या फिर बाद में जो है इलीगल काम करने के लिए नहीं गए थे। उनको बस समझ, वो लोग जो इलीगल काम कर रहे हैं हम उनको समझाने के लिए गए थे कि भैया ये जो है कब्रस्तान की जगह है, बराए मेहरबानी आप ये ना करें, अच्छी बात नहीं है बोल के। तो फिर वो लोगों ने हमको बोला कि भाई जो कुछ भी तुमको करना है आप कोर्ट की थ्रू से आइए, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है कोर्ट की थ्रू से ही जाएंगे इंशाल्लाह। जो टोटल जो है 16 एकड़ है वो, इससे पहले बीडीए जो है 8 एकड़ जो है कब्जा करके फिर बाद में जो है 8 एकड़ जो है छोड़ी है, 8 एकड़ 30 घंटा कुछ छोड़ी है वो। तो बचा हुआ जितना भी जो भी है वो कब्रस्तान से कंसल्ट है, वो कब्रस्तानी है बोल के बीडीए ऑलरेडी जो है डिक्लेयर कर चुकी है। के लिए और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।